नमो बुद्धाय दोस्तों, जीवन में असफलता का मुख्य कारण खराब पर्यावरणीय प्रभाव, गलत मानसिकता, बुरी आदतें और प्रेरणा की कमी है। विफलता के इन सभी कारणों को संबोधित किया जा सकता है यदि आप पहचाने कि कौन से कारण आप पर लागू होते हैं और जिससे उन्हें हटाने के लिए एक योजना आप बना सकते हैं। इंसान अपने जीवन में खुद ही पतन के मार्ग पर चलने लगता है। आज हम बुद्ध के बताए गए वह 12 लक्षण जानेंगे जो इंसान के पतन का या असफल जीवन का कारण बनते हैं। आइए जानते हैं वह कारण, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी हम आपको देते रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने इंसान के पतन के कारणों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। बुद्ध कहते हैं कि उन्नतिशील आदमी के लक्षण भी आसान है और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान है। अगर आगे बताए जाने वाले 12 कारण किसी भी गृहस्थ जीवन में है तो वह निश्चित ही पतन का कारण है जो उन्नति से विमुख कर देते हैं। बुद्ध आगे बताते हैं, जो धम्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है, जो धम्म से घृणा करता है उसका पतन निश्चित ही होता है। यह पहला कारण या लक्षण है। यह धम्म यानी सही आचरण या सन्मार्ग। दोस्तों, पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण यह है कि वो असंगति में रहता है। उसे असत्पुरुष अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते। पतनोन्मुखता का तीसरा लक्षण है कि वह तदनालु होता है। उसे बड़बड़ करना अच्छा लगता है। वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्त होता है और अधिकतर क्रोधी होता है। जबकि चौथा लक्षण यह है, जो पास में पैसा रखकर भी अपने गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता। पांचवा लक्षण यह है, जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी को, किसी श्रमण को व किसी अन्य साधु को ठगता है। पतनोन्मुखता का छठा लक्षण है कि जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, किसी की सहायता के लिए वो नहीं प्रदान किया करता, तथा जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का, जाति का अभिमान है और अपने संबंधियों से ही दूर दूर रहता है, यह पतनोन्मुख आदमी का सातवां लक्षण है। पतनोन्मुख आदमी का आठवां लक्षण यह है कि जो आदमी व्याभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है उसे ऐशो आराम में लुटाता है और अपना सब कुछ धीरे धीरे खोते रहता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि जो अपनी पत्नी से ही संतुष्ट ना रहकर वेश्याओं तथा परस्त्रियों के पास जाता है, यह पतनोन्मुख आदमी का नौवां लक्षण है। पतनोन्मुख आदमी का दसवां लक्षण यह होता है, जब वृद्ध व्यक्ति नव युवती को घर ले आता है तो उसकी ईर्ष्या के कारण वह सुखपूर्वक नहीं हो पाता। जो आदमी किसी असंयत फजूल खर्च आदमी व स्त्री को अधिकार सौंप देता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 11वां लक्षण होता है। ऐसा करके वह अपनी अधिकांश आमदनी लुटा देता है। बुद्ध आखिरी यानी पतनोन्मुख आदमी का 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो क्षत्रिय अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, यानी योग्यता ना होने पर भी वह पद की लालसा रखता है, वह पूर्ण रूप से पतनोन्मुख होता है। बुद्ध अंततः कहते हैं कि पतन के इन कारणों को जान ले, यदि इनसे बचाव कर लिया तो इंसान सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, बुद्ध की बताए गए यह सारे लक्षण, जिन पर विचार करना और सही राह चलना एक सच्चे गृहस्थ जीवन का सन्मार्ग है। बुद्धं नमामि।